I want all the cameras to be on. All cameras should be strictly on. Come on. Doubt from 1 to 10. No. 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, कुछ भी नहीं है. सिंगल करेक्ट ऑप्शन डाउट 1, 2, कुछ नहीं. 10 to 20, 13 क्वेश्चन. ओके, यू कैन सी द स्क्रीन राइट? Yes. Perfect. So 10 to 20 may the question number 13 is a doubt. Everyone will pay attention. Kevin asked. Kevin, opening question to Jay. देखो मेरी बात सुनो. The train is moving on a track 30 meter per second. So this is the train. कितने स्पीड से जा रहा है बेटा? 30 meter per second. A ball is thrown perpendicular to the direction of the motion of 30 at an angle of 45 degree from the horizontal. Okay. So ball कैसे फेंका गया है बेटा? कैसे फेंका गया बॉल? इसके अंदर से कैसे फेंका गया? कितना डिग्री बाहर फेंका गया? ऐसे फेंका गया 45 डिग्री. मतलब कैन आई से इट विल एक्चुअली इफ आई स्टॉप द ट्रेन इट इज थ्रोन दिस वे. बराबर है क्या? कितने डिग्री पर फेंका गया है? मतलब ये डायरेक्शन में फेंका गया है, ये डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन इट इज थ्रोन. बट एक्चुअली हाउ इट इज थ्रोन? इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ हाउ मेनी डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल? 45 degree. It is thrown this way, huh? This way. और यहां पर मैं साइड में बता रहा हूं. बराबर है क्या? Okay. Find the distance of the ball from the point of projection on the train to the point where it strikes the ground. Okay. Can you tell me? ये जो बॉल है इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है? बाबा हेलो. अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. हम लोग बात करते हैं कि ट्रेन थोड़ी देर में इधर आ जाएगा. आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes. अच्छा ये बॉल के पास भी तो 30 का स्पीड है. बिकॉज वेन एवर एनीथिंग लेफ्ट फ्रॉम द सिस्टम इट अक्वायर्स द स्पीड ऑफ द सिस्टम. तो कहना इसे बॉल भी थोड़ी देर में इधर आ जाएगा. बट जब वो इधर आएगा तो एक्चुअली वो इधर नहीं आएगा, वो इधर पहुंच गया रहेगा. आर यू देयर विद मी? कैन आई से रिलेटिव टू ट्रेन इट इज परफॉर्मिंग व्हाट सर? पिच मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. बराबर है क्या? यहां पर दिस इज द व्हाट इज दिस द रेंज. कितने डिग्री पर फेंका गया ऐसे? 40. अरे 40 पर. तो आर का फॉर्मूला क्या रहेगा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी ना. यू कितना है? 30 स्क्वायर 900 बाय 90 मीटर. बोलो सही है क्या? Yes. तो मतलब ये भी 30 जा रहा है, वो भी 30 जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. बट जब ये ऐसे आ रहा है, वो स्टोन ऐसे आ गया. कैन यू सी मी? यस कर दे तो. बराबर है क्या? डाउट सॉल्विंग एक एक लेक्चर मिस मत करो यार. तुम लोग कोई भी लेक्चर मिस मत करो, कुछ भी मिस मत करो. ओके, किधर ना किधर से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा.
भाई आगे बोलो। ओके 10 to 20 10 to 20 10 to 20 10 to 20 1। ठीक है, I'm asking 5 5 6 6 times हाँ भाई। और 11th question। Siddhant, have you solved this question? Sir, I tried. नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। Yes sir, I tried. You tried, अच्छा। Ball is projected upward from the top of the tower. Sir, the 2 9 second and options. क्या क्या? नहीं, अच्छा। वो तो ठीक है यार। वो तो ठीक है, वो तो ऑप्शन में क्या होता है, उस आंसर मिला क्या आपको, वो इंपॉर्टेंट है यार, वो गलती नहीं करना। बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। देखो इधर कितना स्पीड से फेंका गया, 50 से कितना एंगल बना रहा है, 30। द हाइट ऑफ द टावर कितना है, 70 मीटर। बराबर है सिद्धांत? यस सर। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स फ्रॉम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड? अब यहां पर कितने सेकंड बाद वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कैसे निकालेंगे, कैसे वर्टिकल स्पीड कितना है? ये 50 साइन 30 है, बराबर है क्या? ये 25 हुआ कि नहीं? यानी से s is equal to ut plus half at square, because टाइम निकालने के लिए हमेशा वर्टिकल मोशन कैलकुलेट करते हैं। बोलो यार, yes, s कितना है, -70। ये माइनस साइन नहीं पकड़ा रहेगा आपने, डिस्प्लेसमेंट नीचे है ना भाई। हेलो सर, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ईयर टिल ईयर ना। u कितना है, u ऊपर है 25, t माइनस 5 t स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, हो गया आंसर, 7 सेकंड आएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है वो आंसर के अंदर, ठीक है, दैट इज ओके। यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? यस। ये गलती होती है बहुत सारे लोग से, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नीचे है ना, डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर ना। तो अगर इनिशियल वेक्टर 0,0 है तो फाइनल वेक्टर -70 रहेगा। हेलो, ये कुछ रहेगा, सॉरी -70 yes or no? Yes, sir. Vertically displacement -70 हुआ ना, ठीक है। चलो भाई, ओके बोलो 10 to 20 नथिंग, 10 to 20 नथिंग, 20 to 30 28 20 to 30 is 28। कुछ लोगों ने सॉल्व किया है, कुछ लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, प्लीज सॉल्व किया करो। ओके, एंड में टाइम तो मिलेगा नहीं। 28, हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन? ध्रुव बजाज। नो सर, रिजल रिजल, सॉरी, दैट्स ओके। ओके 28 क्वेश्चन, रिजल आस्क्ड मी द क्वेश्चन, यस। What is 28 question telling you? अच्छा रुजुल, आप मुझे height का formula बोलो। U square sine square theta by 2g। और range का formula बोलो। U square sine 2 theta by 2g। Can I say this is also proportional to U square and this is also proportional to U square? बोलो। हाँ। The maximum height attained by the projectile is increased by 10% by increasing the speed of projection. मतलब सब कुछ क्या चेंज कर रहा है यहाँ पर? By 10%. यू। तो अगर इसको 10% चेंज करेगा, मतलब ये सब इसको चेंज करने से ये 10% बड़ा है, बराबर है क्या? Can I say he is also proportional to u square only ना? Yes. तो क्या होगा? तो ये भी कितना बढ़ेगा? 10% ही तो बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, तो अगर यू चेंज करने से ये 10% बढ़ रहा है तो इसका भी यू चेंज करने से 10% ही बढ़ेगा। हेलो, हो गया आंसर, 10% आंसर, इजी है। 20 to 30 परफेक्ट, ओके।
Projectile is thrown with a velocity of 10 meters per second and an angle of 60 degrees with the horizontal. The internal between moments, the time interval between the moments when the speed is 5√2 meter per second. Okay. इधर ध्यान देना सब लोग, pay attention to. Time interval के लिए हम लोग कौन सा formula लगाते हैं, कोई बता सकता है मुझे? Vertical motion. See, what are they telling you? That it is इधर इधर ध्यान दो. ये 10 है. ये कितना degree है? 60. ये कितना हो जाएगा? 10 cos 60. Cos 60 मतलब ये हो गया 5. ये क्या बना? UX बना. बराबर क्या? अच्छा, UI कितना बनेगा? I sin 60. UI बना. बराबर क्या? बराबर. फाइव रूट थ्री बना. अरे आर यू देयर विद मी? यस सर. The interval between the moments when the speed is 5√2. Can I say एक moment ऐसे आएगा where the speed will be 5√2. अच्छा, नीचे जाते समय also it will perform 5√2. Replica nature loves symmetry. Can I say ये time उसको लगा T1 और इसको time कितना लगा? T2. मेरे को क्या मांगता है? Interval. Sir, vertical velocity changes na. UX should be same. Kya bhai? Arey bhai, total velocity ki baat ho rahi yahan pe. Have they told you vertical speed hai? Acha, huh? Total. This is the net. Get it? Yes or no? Yes, sir. Acha, meri baat suno abhi. Dhyan se meri baat suno. Can I say, ये तो हमेशा पांच का पांच ही रहेगा भाई, बोलो. Yes sir. ठीक हो जाएगा. Vy is Uy minus Gt. Yes. Uy कितना है? 5√3 minus Gt. बराबर. Can I say इन दोनों का sum, मतलब ये पांच है, ये 5√3 माइनस जीटी है, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 5√2. बराबर है, अब हो गया है. अभी इसको अप्लाई करो. जनरल फॉर्मूला मालूम है ना, पैरेललोग्राम लोग, दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. बराबर क्या? दिस आंसर इज 5√2. दो आंसर मिलेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो पांच आएगा. ठीक है, जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा, वन सेकेंड आंसर आएगा. ओके, इसका आंसर this will be 5 square plus 5√3 minus gt. gt मतलब 10t the whole square. बराबर क्या? इधर से एक quadratic equation मिलेगा जहां पर आपको दो values मिलेगी, एक छोटा value मिलेगा और एक बड़ा value मिलेगा. बराबर है क्या? इतना से solve कर सकते हैं ना यार, quadratic equation बनेगा. हेलो, minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a directly नहीं मिलेगा. Getting it or not? हाँ भाई. So we can calculate the angle which will be 45 and between the horizontal and 5√2, and then we can calculate that. That also, हाँ, वो भी कर सकते हैं भाई, वो भी कर सकते हैं आप, कोई issue नहीं है बेटा. I'm doing general method, आप अपने method apply करो. Correct अब चलो, कोई issue नहीं है. आप बोल रहे हैं angle calculate, tan theta निकालो, vy by vx है, और आपको एक में tan theta positive रहेगा, एक में tan theta negative रहेगा. You are going in more in trigonometry. I am going more of algebra part. Getting it or not? वो तो application part है. Yes sir. तो बाकी physics तो पूरा same है. आपको क्या चाहिए? Delta t मांगता है. Getting it or not? You will go in trigonometry. I'll go in algebra. कोई issue नहीं है. आप जैसे करना है वैसे करो. वो end का result जो है आपको मिल जाएगा. ठीक है बेटा. तो ये net की बात हो रही है. नेट की बात हो रही है.
इतना कुछ हार्ड नहीं है सर, ठीक है, खाली एंड का एप्लीकेशन विजुअलाइजेशन तो हमने कर लिया, फॉर्मूला भी हमको आता ही था, एप्लीकेशन में आपके ऊपर है whether you do by this method or that method. Now we'll go to the 39 question, which is again good question. Who has asked me 39 beta? अरे यार 39 question कितने पूछा था? माहिर. माहिर, okay, माहिर. Look carefully, you know, just pay attention. A particle is projected on a smooth inclined plane in a direction perpendicular to the line greatest slope with a speed of 8 meter per second. Can I say this guy, it is thrown this way. Can I say it will follow projectile motion this way? Yes, sir. Mahir, you know, now, if I see this part, carefully, can I say this was gravity? Now, no. Getting it? Yes, sir. This point and this point. Can I say this is 37 degree angle between two lines and their perpendiculars are the same? So it will become G cos 37. And this will be G sine 37. Are you agree? Can you repeat again how that angle is 37? Angle between two lines and the perpendiculars are the same. See. This is G. Can I say iska perpendicular is this? This is horizontal, na beta. This is vertical. This is inclined. So this is perpendicular to that. Got it? Okay, okay. But if there are two lines, this ka perpendicular is this way, and this ka perpendicular is this way, this angle will be theta, so this angle will also be theta. Angle between two lines and their perpendiculars are always the same. Yaad rakh lena, theek hai? Hello? Yes, sir, got. Okay, so this is going to become G. And this will go on and become rubber again. Now look at the stone. Can I say it will be acted by G sine 37? It will not be acted by G because it is not going in air. It is following the inclined plane. See, this plane which is there is inclined already. So the motion which will be there, if you imagine, see this way. Can I say it is along this plane of 37 degree projectile motion? But this is already inclined. It is inclined. Can you see? Look, if you keep a book, suppose this is the book, just kept it straight. I've kept it theta. Mahir, can you see? Yes, sir, I can see. Now this projectile is following this motion. Are you getting it? Along the plane. Yes, sir, yes. This is theta, right? This is not Siddha. It is not going this way. It is on this book, which is tilted, and it is performing motion. Getting it? Yes, sir. So the acceleration which will be acting will not be this way. It will be this way. Getting it? Along the plane, on which it is performing. Are you understanding what's happening? Yes, sir. Got. Okay, now this is the whole thing. So this is UX. 8 meter per second. And this will be the y-axis. This is the horizontal x-axis and this is the y-axis. Can I say this is the y-axis if I take? If I take this as the x-axis.
if I take this also as the which axis beta, then we have a perpendicular. क्या पूछा है आपको? Particle smooth inclined plane greater slope. Its speed at t is equal to 1 second. Look carefully. Can I say this is what? What is this? Beta, what is this? Arey, which gravity is this here? G sine 30. What is sine 37? 3/5 na? So 10 into g is 10, sine 37 is 3/5. Do you agree? Yes, sir. 6 meter per second square will come. Gravity is not 10 now, gravity is 6. Can I say this is left at time 0? Matlab Mahir, what is the case over here? G ki jagah aapko 6 lena hai, 10 nahi lena hai. Garenge na? Okay sir, yeah. Bas khatam ho gaya abhi. Can I say after 1 second kya hoga? Ye ux ka to ux hi rahega, 8 ka 8. ये बदल जाएगा, ये कितना हो जाएगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस 18 ना बेटा. वी वाई यू वाई कितना है? यू वाई जीरो है. देखो वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं इनिशियल. यस और नो? माइनस जी टी, बट जी कितना है? 6 है और टी का वैल्यू कितना है? 1 है. तो कितना हो गया वी वाई? 6 मीटर पर सेकेंड. कैन आई से दिस इज 8 एंड दिस इज 6, सो व्हाट इज द रिजल्टेंट? 10. Yes, sir. Got it, sir. Thank you. Okay, so G ka value change ho raha hai kyunki teda hai na plane. It is tilted, right? G vertically G 10 hai, but teda kar dega to wo G ka component jo hai. Okay, because this component is not causing the acceleration. This component is causing the acceleration. Are you getting it? एंड दिस कंपोनेंट का तो कुछ काम ही नहीं है. ये कंपोनेंट का तो कुछ काम ही नहीं है. ये कंपोनेंट काम कर रहा है हमारा, ये कंपोनेंट हमारा काम ही नहीं कर रहा है. हेलो, आर यू देयर? यस सर, गॉट इट. ओके, गुड क्वेश्चन इट वाज. यू नीड टू सॉल्व, राइट? ओके, 40 to 43. Last three questions, then we'll go to subjective. 40 to 43. So can you do the 36th one? Okay. Who's this? Arhan. Arhan, a body is projected horizontally with a speed u at the top of the tower of height h. It reaches the ground at the horizontal distance r from the tower. Another body is projected horizontally from the top of the tower at a height of 4 h. It reaches the ground horizontally at a distance of 2 r. The initial speed of the which body chahiye? Kaun se body ke bare mein chahiye? Yes, tell me. Second body. No. Arhan, tell me the projectile equation. Trajectory equation kya hai? Equals x square x tan theta minus half v x square by u square cos theta. Y is equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta. If you look at the question, how much is theta in the question? अरे बाबा, tell me यार, read करो. Zero है ना? Theta is zero ना? Yeah. Put theta 0, तो tan 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, बराबर है क्या? तो y क्या बचा? ये बचा? अरे भाई हाँ ना बोलो, come on man. Yes, this is correct. Yeah. Now put the coordinates. A body is thrown with a speed u from the top of the tower of height कितना है पहले केस में? H. Can I say why is H? Hello? Actually, yeah. It is minus H, but Y coordinate. Okay. Because if I consider this 0, 0, can I say this will be, pehle case mein kitna hai hai? Or R, minus H. Barabar hai kya? Arre, maths aata hai na bhai.
आर कॉमा माइनस एच ही हुआ ना ये, यस ये माइनस एच है, माइनस माइनस उड़ जाएगा, हाफ जी आर स्क्वायर यू स्क्वायर हो गया केस वन, बोलो यस सर। सेकंड केस में क्या लिखेंगे, सेकंड केस में थर्ड लाइन पढ़ो बेटा, कितना हाइट है 4h, कोऑर्डिनेट ये h की जगह क्या हो जाएगा और r की जगह कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा 2r। कैन आई कैलकुलेट दिस u2 स्क्वायर, कैन यू कैलकुलेट डिवाइड बोथ ऑफ देम एंड गेट द वैल्यू, इसको इसको डिवाइड मार दो, यू कैन गेट द आंसर यस और नो, यस। So generally when the coordinates are given, see why did I use, sir, why did you use this question, this formula only? Because what was given in the question? Coordinates were given, barabar kya? Are dekho na question mein, coordinates are given na x and y. Yes, sir. Generally the trick is there, whenever coordinates are given, you have to use the trajectory equation, y or x ka equation, y or x ka equation, bolo. Wana aap to बहुत सारे फॉर्मूलाज है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर कोऑर्डिनेट इक्वेशन वी नीड टू यूज। परफेक्ट, ओके, और कोई डाउट ऑब्जेक्टिव में नहीं है, ठीक है, विल गो टू सब्जेक्टिव पार्ट। Can you see the slide? Subjective? Yes, sir. ठीक, yeah. 1 to 10 subjective, the seventh. Okay, seventh. ठीक, ध्यान दो, सॉल्व करके आना है यार, हम लोग ऐसे करेंगे टाइम पास पूरा लेक्चर वेस्ट होता है। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज आई थिंक इट इज अ कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, राइट? यस। इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हेन इट स्ट्राइक्स एट ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, ये तो कर चुके थे ना हम लोग, वी हैड डन दिस क्वेश्चन, राइट? यस। A particle is projected along the inclined plane. What is the speed of the particle when it collides at point A? हमने कैसे निकाला इसको? First we found the time. Time निकाला. Time का projectile. Time का formula क्या था? Ali Faraz, tell me the time का formula. 2 u sin alpha minus beta upon g cos beta. बहुत अच्छे बेटा. फिर क्या किया हमने? ये स्टेप वन है मेरा, फिर कौन सा स्टेप लगाया, कैन आई से इसको एक्स और इसको वाई पकड़ा, बराबर क्या? हाँ, कैन आई से हॉरिजॉन्टल स्पीड तो सेम ही रहेगा, अरे ये तो वी एक्स का यू एक्स ही है ना, हाँ सर, और ये हो जाएगा यू वाई माइनस जी टी या प्लस जी टी जो भी बोलते हैं, फिर उसको दोनों को रिजल्टेंट मिलेगा तो ये मिल जाएगा, बराबर क्या? यस। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर कितना आ रहा था 10√3, बराबर क्या? नेट वेलोसिटी कितना आ रहा था ये 10√3 मीटर पर सेकंड, डू यू अग्री विद मी? 10/√3, सॉरी 10/√3 आंसर। बाबा हेलो, गेट अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहे हैं? इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हेन इट स्ट्राइक्स एट ए। इधर देखो, ये
एक तरीका ये है कि आपने, ये कितना एंगल है बेटा, कितना था ये 30 था ना, ये कितना एंगल है 30. मेरी बात सुनो, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, कह रहे इसे इधर जब वो आता है तो उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना होता है, अरे कितना था यार, 5 था ना, 5 मीटर पर सेकंड जो हमने निकाला था ना यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, हेलो ये कितना है 5√3 नीचे की तरफ, 5/√3 सॉरी 5/√3 बराबर क्या, और इन दोनों को मिलाएंगे तो 10/√3 मिलेगा, यस और नो, यस ये तो मालूम है ना भाई, हेलो, अरे भाई yes, come on, tell me. अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, कैन आई से मुझे चाहिए ये डायरेक्शन में स्पीड कितना है, क्यों, ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, अरे यार पढ़ो ना यार, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन बराबर क्या, कैन आई से ये एंगल निकाल लू और ये एंगल निकाल लू तो ये डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा दोनों का उसका रिजल्टेंट रहेगा ये डायरेक्शन में, अरे यार इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट जोड़ देंगे तो ये डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी, बाकी तो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल कर देंगे ना एक दूसरे से, क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या, चलो अभी एंगल निकालना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, ओके मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, सो वी कैन डायरेक्टली डू ना UY माइनस AYT, वी कैन वो भी कर सकते हैं भाई, मैं इजी मेथड बता रहा हूँ रेजोल्यूशन से, आप कर सकते हो UY माइनस AYT, आपको एक्सिस बदलना पड़ेगा, you have to take this as the x axis and you have to take this as the ha ha wo bhi ek tarika hai, wo bhi ek tarika hai, but I'm doing my resolution method, yes or no, hello bhai, yes yes, acha koi bata sakta hai ye angle kitna hai, batao yaar, dekho mereko zyada trigonometry to aata nahi hai, main to hamesha ek hi cheez follow karta hu, angle between two lines and there perpendicular sada same, अरे भाई बोलो, कम ऑन यार, 30 डिग्री, ये 30 हुआ तो ये 60 हुआ क्या, क्योंकि टोटल तो 90 है, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, 5√3 5/√3 cos 30 और ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 60, बोलो भाई 5 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3 उड़ गया तो ये क्या मिला 5/2 और ये भी तो मिला 5/2, मतलब क्या मिला 5 मीटर पर सेकंड, बोलो, यस सर, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग, मैक्सिमम पूरे 5 बुक में, पूरे फिजिक्स में मैंने एक ही ट्रिग्नोमेट्री सीखा है, मैक्सिमम टाइम काम करता है एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देयर परपेंडिकुलर ज्यादा सेम, बहुत ज्यादा पर काम करेगा, मतलब ये बुक में तो काम करेगा ही, ओके रोटेशन मोशन में काम करेगा, चलो आगे बढ़ते हैं, एनीवन, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, ओके 11 to 18, ओके Listen to me. What's coming? Particle is projected with a velocity of kitna? Kitna speed hai beta? 2√gh. So that it clears two walls of equal height which are at a distance of 2h from each other. No? Scenario ye hai ke I'm throwing it with 2√gh. Sorry. At an angle of theta, so that it clears two walls of height. बराबर क्या? कितना distance है दो wall के बीच में? Show that the time of passing between the two walls is 2√h/g.
हिंट यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइट एच, टेक दैट एज इनिशियल वेलोसिटी एंड 2h एज द रेंज। वो शायद समझ गया रहेगा क्या बोलना चाह रहा है। हेलो जी, बात क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं इधर का स्पीड ढूंढने वाला। अच्छा कोई बता सकता है इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है? मुझे थीटा तो मालूम ही नहीं है ना। डू आई नो थीटा? थीटा आई डोंट नो। ओके शुरू तो करते हैं, देखते हैं कैसा आएगा। Can I say this is ux and this is uy? Barabar gaya? Hello? Can I say ux square plus uy square is this ka square? Iska square karo. 4gh. Baba, sahi hai kya? Yes, sir. Equation 1. अच्छा इधर जब आएंगे क्या चीज सेम रहेगी? ux तो सेम है। Can I say vy will be uy square minus 2gh? v square क्योंकि कितना हाइट चढ़ गया है वो, h हाइट चढ़ गया है ना। Can I apply v square as equal to u square minus 2gh? बोलो भाई। Yes sir. ये चीज है। Are you getting it? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Can I say यहाँ से यहाँ पर देखो आप अगर देख सकते हो तो यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हो। ये भी एक projectile motion है। Look, इसको enlarge करके देखते हैं हम। इन दोनों का resultant होगा सम v होगा। से कितना रेंज है? 2h. Can I say R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेंज 2 हाँ vx vy by g। Can I say vx is ux? हेलो बोलो। Yes, sir. vy को vy लिखते हैं by g। बोलो। Yes. Okay. Can I say यहां से ux मिल जाएगा? ux कितना हो जाएगा? अच्छा r कितना है? r is 2h ना? Yes or no? Yes. ux हो गया 2, 2, 2 ऐसे ही उड़ गया, कितना आया? कितना होता है? gh by vy। बोलो भाई। हेलो। अच्छा मेरी एक बात सुनो, ये इक्वेशन दिख रहा है? ये इक्वेशन दिख रहा है? दिख रहा है दोनों को? देखो ये इक्वेशन को, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम लोग सैटिस्फाई करेंगे। यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर इज 4gh। डू यू अग्री भाई? यू एक्स स्क्वायर क्या है? यू एक्स मालूम है ना? ये देखो यू एक्स की जगह क्या लिखूंगा? जी एच बाय वी वाई द होल स्क्वायर। यू वाई यहां से क्या रहेगा? यू वाई यहां से यू वाई कितना रहेगा? यू वाई कितना रहेगा? शफल करो, रीशफल करो। टू तो वी वाई स्क्वायर प्लस टू, नहीं यू वाई स्क्वायर ही चाहिए, यू वाई स्क्वायर चाहिए। तो क्या मिलेगा? वी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एच। Are you understanding my point? Yes. अभी देखो इसको कैसे लिखूंगा? G square H square upon V Y square, V Y square और 2 G H यहाँ से जाके इधर जाके कितना हो जाएगा? 2 G H हो गया, सही है? Yes.
कितना होता है एलसीएम निकालो, जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वी वाई फोर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर टू जी एच, बोलो तो वी वाई फोर माइनस टू जी एच वी वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एच स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू जीरो. हेलो यस और नो? यस. अब एबीसी क्या बना, ए क्या बना वन, बी क्या बना टू जी एच, और सी क्या बना यस और नो? यस. कैन आई से माइनस बी दैट इज प्लस टू जी एच प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब फोर जी स्क्वायर एच स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. हेलो ये तो ऐसे ही उठ जाएगा, ये क्या बना टू एच बाई टू ना, जी एच बना गया मतलब वी वाई क्या है जी एच है ना बाबा बोलो. यस सर. तो वी वाई मिल गया मतलब ये वी वाई मिला मेरे को, कितना मिला मतलब इनडायरेक्टली ये वी वाई मिला ये सुनो. आपको पूछा ये दीवार से ये दीवार जाने के लिए कितना टाइम लगा, कैन आई से टाइम टेकन इज टू वी वाई बाई जी, सो इट विल बिकम क्या होता है एक मिनट वी वाई इज, अच्छा ये वी वाई स्क्वायर है मेरा बच्चा. हेलो हाँ ये फोर में इक्वेशन था ना, तो वी वाई तो आपको रूट जी एच मिलेगा ना, ये सुनो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा ना, बट इतना थोड़ा टफ है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, टफ नहीं है मतलब थोड़ा सी आना चाहिए, जुगाड़ यू शुड नो हाउ टू डू, मतलब एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है, इसने पूरे इक्वेशन को यहां से यहाँ पर ट्रांसफर किया है और ये इक्वेशन अप्लाई किया, दिख रहा है क्या, इधर का चीज उसने इधर ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद में ये इक्वेशन अप्लाई किया और फिर क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व किया, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एम आई टेलिंग यू. ऐसे दूसरे तरीके भी कर सकते हो. So generally you have to use v square is equal to u square plus 2as because displacement d है ना. Getting it? चलो ठीक है. और कुछ? Any other questions? Fast. डाउट ही नहीं है यार, बहुत अच्छा है, फुल मार्क्स आना चाहिए था. हाँ मार्क्स तो आते नहीं है. और कोई डाउट है क्या टुडे इवनिंग विल बी हैविंग 19 ईयर सॉल्यूशंस जो बुक किया था ना हम लोग ने लास्ट ईयर के 19 ईयर्स. Book in which all the questions of JEE PYQs will be solved. ठीक है, तो ये चीज complete हो चुकी. According to me, DC Pandey level 1 is done, objective and subjective. ठीक है, and from Friday we'll be starting with the new chapter that is laws of motion. Laws of motion. So 1 month full of December we'll be doing. क्या करेंगे? LOM,
LOM मतलब लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना. चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय. सो व्हाट विल बी द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर? सेम लेवल इन ना डीसी फंड. ओके सर, अंडरस्टैंड. सेम सेम सर. जे एडवांस हाँ, जे एडवांस नेक्स्ट वीक से चालू कर देता है, ठीक है. मैं बताता हूँ आपको डेट्स. जे एडवांस नेक्स्ट वीक से चालू कर देंगे हम लोग, ठीक है. लेट मी प्लान. एक्चुअली क्या हो गया, मेरा पोर्शन 12th में बाकी है यार, एक हफ्ता लगेगा उसको. जैसे वो खत्म होता है आई विल गेट फ्री. वो पूरा बैच खत्म हो जाएगा ना बेटा, पोर्शन खत्म हो जाएगा. एक बार वो खत्म हो गया, फिजिक्स का पोर्शन है आपको मालूम है एकदम वास्ट है, 5 बुक है यार ऐसे. वो खत्म हो जाएगा तो आई विल बिकम फ्री. आई विल बिकम फ्री मतलब हफ्ते में एक दिन नहीं, हफ्ते में 2 दिन हम लोग एडवांस कर सकते हैं. एक दिन ऑफलाइन, एक दिन ऑनलाइन, एक दिन ऑफलाइन, एक दिन ऑनलाइन. गेटिंग ना, तो थोड़ा फास्ट जाएगा पोर्शन, ठीक है. चलो थैंक यू, बाय, टेक केयर. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you.